अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। हम उर्दू का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो 3 दिन पहले हम लोग आदिशकाल पढ़ते रहे हैं। कल हमने फे था ये तक आदिशकाल पढ़ी थी। आज अब अलिफ था ये हमने लिखनी है। आप लोगों को लिखनी आती है इसलिए मैंने पहले ही लिख दी है और आप लोग यहाँ से देख के लिख लेंगे। अलिफ अल्फमदा बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे से सीन शीन स्वात द्वात तोएं जोएं आइन वाइन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटी है बड़ी है। अब हम लोग उर्दू की रीडिंग बुक्स ओपन करते हैं, उर्दू का काम शुरू करते हैं। दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ। फे से फेफा फौजी, फेफा फवारा, फेफा फर्नीचर, काफ का कुरान मजीद, काफ का कायदे आज़म, काफ का कुल्फी, काफ का कव्वा, काफ का कंगा, काफ का कछुआ, गाफ का गुड़िया, गाफ का गमला, गाफ का गदा, लामला लूमड़ी, लामला लीमू, लामला लाठी, मीमा मछली, मीमा मोर, मीमा मटर, नूना नाक, नूना नारियल, नूना नमाज, वावा वर्दी, वावा विकट। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। हे हा हार, हे हा हाथ, हे हा हाथी, हमजा आ जायका, हमजा आ डायरी। आज हमने पढ़ना है ये या यक्का, ये या यखनी, ये या यक्का, ये या यखनी। यखनी किससे बनाई जाती है? सेब, ये गोश्त। आपको पता है कि सेब से तो यखनी नहीं बन सकती, गोश्त से बनाई जाती है ना, तो हमने गोश्त पे टिक लगा देना है। अब यहाँ तक आप सब याद कर लें। कल हम दो हरफी अल्फाज स्टार्ट करेंगे, अब तब तक आप यहाँ तक याद करें। अब आप लोग इस्लामियत के क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्या माँ बाप का हुक्म मानने से अल्लाह खुश होता है? जी हाँ। अल्लाह ताला के पहले नबी कौन हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आसमानी किताबें कितनी हैं, नाम बताएं? 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। क्वेश्चन 9 है, अल्लाह के आखिरी नबी कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के आखिरी नबी कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें।